हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएच मान और पीएच पैमाना के बारे में जानेंगे और इसकी सहायता से किसी भी विलयन के अम्लीयता या क्षारकता को समझेंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय होगा और कौन सा विलयन क्षारीय होगा। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल से आशय होगा विभव, तो हाइड्रोजन की विभव समझिए और यहाँ पर हाइड्रोजन की पावर या हाइड्रोजन की शक्ति समझिए। तो शाब्दिक अर्थ में ले लीजिए तो कहेंगे हम लोग कि पीएच मान बराबर हो गया हाइड्रोजन की शक्ति। किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उसमें कितने हाइड्रोजन आयन पाए जाएंगे उसके सांद्रण को दिखाता है। तो जैसे हाइड्रोजन आयन का संकेत देखिए H होता है, उसके ऊपर आयन लगा दिए और सांद्रण को दिखाते हैं इस बड़े कोष्टक से, तो इसका आशय हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रण। और ये बहुत कम पाया जाता है, इसका मात्रा किसी भी विलयन में प्रति ग्राम लीटर निकालते हैं, तो एक लीटर में कितना ग्राम हाइड्रोजन आयन सांद्रण है इसको दिखाया जाता है इस 10 के ऊपर ऋण के रूप में जो घात लगाते हैं वो संख्या को, और यही कहलाता है उस विलयन का पीएच मान। जैसे किसी विलयन में यदि हम कहते हैं कि उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा 10 का घात -3 है, तो यहाँ पर आपको समझना है उस विलयन का पीएच मान ये 3 होगा। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें, इसके लिए हम एक सूत्र निकालते हैं किस तरीके से बनेगा। देखिए दोनों ओर लॉग ले लेते हैं, तो लॉग एच और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 10 और इसका घात हो गया पीएच। आगे और हल करेंगे इसको, देखिए तो लॉग एच आयन का सांद्रण और यहाँ पे हो गया ये माइनस पीएच है। तो लॉग में हमको पता है कि जब कोई संख्या के घात में लॉग लगा होता है तो ये सामने आ जाता है, तो यहाँ लिखाएगा माइनस पीएच लॉग 10। लॉग 10 का मान, इसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग हाइड्रोजन आयन का सांद्रण और यहाँ पे सिर्फ हो गया माइनस पीएच। यहाँ पे देखिए माइनस लगा है, हमको चाहिए पीएच मान, तो माइनस को हटा देते हैं, तो माइनस इधर लग जाएगा, लिखाएगा माइनस लॉग एच और इधर बच गया पीएच। तो किसी भी विलयन का पीएच मान का ये फार्मूला होगा। इस सूत्र के आधार पर आप किसी भी विलयन के पीएच मान को निकाल सकते हैं। अब इसके आधार पर आप परिभाषा भी दे सकते हैं पीएच मान का। किसी भी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के किसमें मात्रा दिखाना है, ग्राम प्रति लीटर में, और ये क्या है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। तो हाइड्रोजन आयन के ग्राम प्रति लीटर में सांद्रण का ऋणात्मक लॉगरिथम होता है और ये कहलाता है उस विलयन का पीएच मान। अब एक उदाहरण देख लेते हैं इसमें, इसके आधार पर कि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 का घात ऋण 4 है, तो इस विलयन के पीएच मान ज्ञात कीजिए, इसका पीएच मान कितना होगा। तो आप इसके आधार पर हल कर लीजिए इसको। फार्मूला होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एच। देखिए आप तो इसको देख के ही बता सकते हैं कि उस विलयन का पीएच मान 4 होगा, लेकिन हम उसको यदि हल करना चाहें तो इस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं पीएच बराबर ये हो गया माइनस लॉग और एच आयन का मान दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बताया है 10 के ऊपर, घात रहेगा ऋण 4। और आगे हल करेंगे इसको, तो लॉग में हमको पता है घात हो आ जाएगा, जैसे यहाँ पर किए थे आ जाता है सामने, तो ये सामने आ जाएगा, तो माइनस माइनस 4 हो गया और यहाँ पे आ गया लॉग 10। लॉग 10 का मान 1 ही होता है, तो यहाँ हो गया माइनस और ये माइनस, दोनों मिलकर के प्लस हो जाएंगे 4 और इसका मान 1, तो उस विलयन का पीएच मान 4 होगा। तो इस तरीके से आप कुछ प्रश्नों को भी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जब पीएच मान हमको पता चल जाए किसी विलयन का, तो उसके आधार पर हम कैसे पहचानेंगे कि वह विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा। किसी भी विलयन की अम्लीयता एवं क्षारकता को नापने के लिए या उसको निर्धारित करने के लिए जिस पैमाने या स्केल का उपयोग किया जाता है वह कहलाता है पीएच पैमाना। पीएच पैमाना के खोजकर्ता सोरेनसन हैं, इन्होंने पीएच पैमाना को बनाया था
और किसी भी विलयन के पीएच मान को बताया कि पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक हो सकता है। तो उसके आधार पर इन्होंने एक स्केल बनाया जिसमें 0 से 14 भाग रखे और बताया कि जिस विलयन का पीएच मान बीच में अर्थात 7 हो वह विलयन उदासीन होगा और जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे आप इधर से इधर बढ़ते जाइए तो ये विलयन अम्लीय होंगे और जिस विलयन का पीएच 7 से अधिक हो अर्थात 14 तक तो वह विलयन क्षारीय होगा। इस तरीके से यहां पर एक बात स्पष्ट हो गया कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 होने पर वह उदासीन होगा और 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होगा। इस स्केल का एक और विशेषता है कि आप जैसे जैसे 7 से दूर इधर आएंगे, कम आएंगे, तो उस विलयन की अम्लीय शक्ति बढ़ते जाएगी। अर्थात यदि यहाँ पर कोई विलयन है जिसका पीएच 6 है तो वह दुर्बल अम्ल होगा लेकिन उसका पावर कम होगा। लेकिन जिस विलयन का पीएच मान यहाँ पर 1 या 0 है तो वह विलयन अधिक अम्लीय होगा अर्थात उसकी पावर बहुत अधिक होगी, प्रबल अम्ल होगा। इसी तरीके से आप यहाँ से 7 से जैसे जैसे अधिक की ओर बढ़ेंगे तो उसकी क्षारीय शक्ति बढ़ते जाती है। 8 होने पर वह दुर्बल क्षार होगा लेकिन यदि उस विलयन का पीएच 14 हो तो प्रबल क्षार होगा। अब आइए आगे कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान 4 दिया हुआ है, किसी विलयन का पीएच मान 12 दिया हुआ है। तो 4 दिया हुआ है तो आप कहेंगे कि वह विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। 12 दिया हुआ है तो वह विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पीएच मान मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति। आपको ये नहीं करना है कि किसी विलयन का पीएच मान यदि 1 है तो हाइड्रोजन आयन उस पर 1 होंगे, किसी विलयन का पीएच मान 14 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या 14 होगी। हाइड्रोजन आयन की संख्या को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, 10 के घात के ऊपर लगाते हैं इस तरीके से, ऋण 4। यहाँ पे 10 के घात के ऊपर लगाएंगे ऋण 12। अब बताइए जिस विलयन का पीएच मान 4 है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक है या जिस विलयन का पीएच मान 12 है उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक है। हम जानते हैं कि जब संख्या में ऋण लग जाता है तो ऋणात्मक होने पर जो बड़े अंक हैं वो छोटे हो जाते हैं, अर्थात इन दोनों में देखिए तो ये बड़ा है इससे। तो यहाँ आपको क्लियर ये समझ के रखना है कि जिस विलयन का हाइड्रोजन आयन का सांद्रण जितना अधिक होगा उसका पीएच मान उतना ही कम आएगा। पीएच मान अधिक होने पर हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कम हो जाता है। तो कम सांद्रण होगा हाइड्रोजन आयन का तो वह विलयन क्षारीय होगा और यदि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण अधिक होगा तो उस विलयन का पीएच कम हो जाएगा और वह विलयन अम्लीय होगा। अब इसको आप एक तरीके से और समझिए कि यहाँ से 7 से कम जो होते हैं उनके पास हाइड्रोजन आयन अधिक होता है और जो 7 से अधिक होते हैं उनके पास हाइड्रोक्साइड या OH आयन अधिक होता है, क्योंकि हमको पता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH आयन देते हैं। तो उदासीन क्या होगा, उदासीन वाले के पास दोनों आयन बराबर होंगे, हाइड्रोजन आयन भी और उतना ही होगा इसके पास OH आयन भी। तो जब दोनों इसके पास बराबर होता है इसीलिए न अम्लीयपन दिखा पाता है न क्षारीयपन। यदि कोई विलयन अम्ल है तो उसके पास भी कुछ मात्रा में OH आयन होंगे, मतलब यहां पर आप समझिए कि 7 से जिस विलयन का पीएच मान कम है उसके पास हाइड्रोजन आयन अधिक है लेकिन OH आयन कम है, उसके पास भी हाइड्रोक्साइड आयन है। उसी तरीके से जो क्षारीय विलयन होते हैं उनके पास OH आयन अधिक होता है लेकिन हाइड्रोजन आयन कम होगा।
आप इसके आधार पे इसको समझ के रखिएगा कि इन दोनों को जोड़ने पे 14 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए इसके पास देखिए जिस विलयन का पीएच मान 1 है, मतलब उसके पास हाइड्रोजन आयन बहुत अधिक होगा -1, 10^-1, लेकिन उसके पास OH आयन भी होगा। OH आयन कितना होगा? कम। कितना कम? देखिए 1 और कितना हमको लाना है टोटल 14, तो इसमें 13, ये तो बहुत कम हो गया। OH आयन की संख्या कितना हो गया? OH आयन हो गया उसके पास -13 और हाइड्रोजन आयन बहुत है -1। इस तरीके से आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कहा गया यहाँ पे बताइए कि कितना हाइड्रोजन आयन है -9, मतलब कम हो गया, लेकिन OH आयन का सांद्रण 9 में हमको कितना जोड़ 14 लाना है, तो हो गया OH आयन का सांद्रण यहाँ पे हो गया -5। इस तरीके से जिस विलयन का पीएच मान 7 है उसके पास हाइड्रोजन आयन की संख्या और OH आयन की संख्या दोनों बराबर होंगे, कोई अधिक नहीं होगा, इसलिए ना वो क्षारीय गुण दिखाएगा ना अम्लीय गुण दिखाएगा। तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किसी भी विलयन का पीएच मान के आधार पर कि उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है और OH आयन का सांद्रण कितना है। अब आइए कुछ उदाहरण देखते हैं इस पे। तो ये प्रबल अम्ल है और वो प्रबल क्षार है। अब यहाँ पे इसका HCl का पीएच मान आपको याद रहेगा 0 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान आपको याद रहेगा 14 होता है। अब चलिए इनका विच्छेदन यदि इसको अलग अलग कीजिए तो ये टूटता है हाइड्रोजन में और क्लोराइड में, ये टूटता है आपका सोडियम आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में। तो ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे, देखिए दोनों प्रबल वाले क्रिया करेंगे तो ये Na और इस Cl, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएगा, बीच में बना दिया लवण, NaCl हो गया, दूसरा बन गया H और OH अर्थात पानी, पानी का सूत्र होता है H2O। अब दोनों का पावर समान है तो दोनों के pH मान कहाँ पे आ गए? 7। तो इसीलिए NaCl, ये जो लवण होता है, नमक का सूत्र है जो घर में उपयोग करते हैं NaCl, इसका pH मान कितना होगा? 7, और ये उदासीन होता है। पानी H2O, ये भी क्या होगा? उदासीन, इसका भी pH मान 7 होता है।